Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So welcome back in our channel. Myself, Abhishek Kumar, and you are the mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the cell, the unit of life. It means how to life form through cell, because we each know cell is the basic unit of life. So in this particular chapter, we detail discuss about cell. So I hope you all enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friend. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the super box and about section on my channel. So please go through about section on my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate with me. So watch the video and keep support. So hello friends, welcome back in another new video. So today's topic is prokaryotic cell. So today I will discuss prokaryotic cell in detail in interesting manner. So let's begin without wasting any time. So first we read for written in NCERT textbook. After that I will write each and everything bit simple and easy manner. So let's begin. तो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था. प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है हमारे किसकी होंगी, बैक्टीरिया की सेल होंगी. वो कैसी होंगी, प्रोकैरियोटिक होंगी. प्रोकैरियोट होते हैं हमारे यूनिसेलुलर. बैक्टीरिया क्या होता है हमारा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होता है हमारा बैक्टीरिया. ठीक है, प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव टाइप का, इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा. प्रो का मतलब होता है पहले या प्रिमिटिव टाइप का, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना. ऐसी सेल जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाएगा उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे. प्रोकैरियोट में हमारे बैक्टीरिया आते हैं, जिसको हम यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट बोलते हैं. देखते हैं टेस्ट में क्या लिखा गया है. प्रोकैरियोटिक सेल, द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया. जो प्रोकैरियोट की सेल होती है उसमें क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, जो कि किंगडम कहाँ पे हैं हमारे, किंगडम मोनेरा में रखे गए हैं. किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा गया है. ठीक है, आर एच विटेकर साहब ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा है. ठीक है, आगे देखते हैं. इसमें बैक्टीरिया रिप्रेजेंट आते हैं, यानी प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया आते हैं. और क्या आता है, ब्लू ग्रीन एल्गा. इसके नाम में एल्गा आ रहा है तो हम लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे कि ये एल्गी है, है ना. ये एल्गी नहीं है भाई, बीजिए. ब्लू ग्रीन एल्गा को हम क्या बोलते हैं, बीजिए को हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं. इसके नाम में बैक्टीरिया आ रहा है तो ये मोनेरा में होगा, किंगडम मोनेरा का मेंबर होगा. ये ब्लू ग्रीन एल्गा है, ये एटमॉस्फेयर में फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन को इसने रिलीज किया था. ठीक है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोऑटोट्रॉफ होता है, और ये अपना फोटोसिंथेटिक करेगा, अपना भोजन बनाएगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को इसने रिलीज किया था, ब्लू ग्रीन एल्गा ने, जो कि एल्गा नहीं है, ये बैक्टीरिया है. ठीक है, आगे देखते हैं. माइकोप्लाज्मा को भी हम किस में कंसीडर करते हैं, प्रोकैरियोट में, है ना. और पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम पीपीएलओ बोलते हैं. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, पीपीएलओ बोलते हैं. ये हमारे सारे के सारे किस में काउंट होते हैं, किस में आते हैं, ये कंसीडर किए जाते हैं. ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं. कौन कौन सी, बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गा हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, पीपीएलओ हो गया, है ना, और क्या हो गए, ये सारे के सारे प्रोकैरियोट होते हैं. दे आर जनरली स्मॉलर, ये जो होते हैं ये छोटे होते हैं, प्रोकैरियोट जो होते हैं वो छोटे होते हैं. दे आर जनरली स्मॉलर, जनरली का मतलब होता है समानता, ये ज़्यादातर जो होंगे स्मॉलर होंगे. स्मॉल कोई चीज़ है तो वो क्या, अपनी उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है. जो स्मॉलर होंगे मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, ये स्मॉलर होते हैं और बहुत जल्दी से रैपिड करते हैं, यानी मल्टीप्लाई, ये अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे बहुत जल्दी, है ना. रैपिडली का मतलब होता है बहुत जल्दी ये मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, देन द यूकैरियोट सेल की अपेक्षा प्रोकैरियोट सेल जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और बहुत जल्दी वो मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी जनसंख्या में वृद्धि बहुत जल्दी करते हैं. ये फिगर दिखाया बताया गया है, फिगर मैं आपको बाद में बताऊंगा. ठीक है, दे मे बी ग्रेटली वेरी इन शेप, है ना, ये शेप और साइज में ग्रेटली वेरी कर सकते हैं. इनका शेप और साइज जो होता है बहुत वेरी करता है, है ना. उनका शेप मैंने वही बताया आपका, आकार में, यानी उसका डिस्क शेप है कैसा, एलोंगेटेड है, कोका सा, स्पाइरकल है, कैसा है वो, और उसका साइज क्या है उसके, मतलब डायमीटर में. ठीक है, द फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया, जो चार टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, है ना, शेप के बेसिस पे, किसके बेसिस पे,
शेप के बेसिस पे चार टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन कौन से? बैसिलस जो होंगे वो रॉड शेप होंगे, उनका स्ट्रक्चर जो होगा रॉड के लाइक होगा। कोकस, कोकस का मतलब होता है स्पेरिकल बैक्टीरिया, है ना, स्पेरिकल बैक्टीरिया होंगे। और विब्रियो, विब्रियो का मतलब होता है उसमें जो बैक्टीरिया पाए जाएंगे वो कॉमा शेप पाए जाएंगे, कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं वो विब्रियो होते हैं। और जो स्पाइरुलम होता है वो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। कैसे? स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को स्पाइरुलम बोलते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू प्रोकैरियोट एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोकैरियोट सेल होती है, प्रोकैरियोट सेल होगी उसका जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी सेल प्रोकैरियोट की सेल कैसे बनी हुई है उसका जो फंडामेंटल होगा वो सब कुछ सिमिलर होगा, है ना, सारी की सारी चीज़ें सिमिलर होंगी। चाहे प्रोकैरियोट सेल कितना भी अपने साइज और शेप के में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कर रही हो, उसका साइज और साइज, उसका शेप और फंक्शन जो होगा वो डिफरेंट हो सकता है, बट उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा प्रोकैरियोट सेल का ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सेम होगा, ठीक है। यानी कोई सेल प्रोकैरियोट की सेल उसका सेफ है, डिफरेंट है, उसका फंक्शन भी डिफरेंट है, बट उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम है, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट हम मान सकते हैं, यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ऐसा यूकैरियोट में नहीं होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आगे देखते हैं, ऑल प्रोकैरियोट हैव, ऑल प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, ठीक है। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है सराउंड होती है, उनकी सेल वॉल होती है सराउंड करेगी किसको, सेल मेम्ब्रेन की। सारे के सारे प्रोकैरियोट में सिर्फ एक एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा, इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, एक्सेप्शन से ही हमारे क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेगा कि सेल वॉल किस में अब्सेंट होती है, है ना, तो किस में होती है, वो माइकोप्लाज्मा में होती है, ठीक है। प्रोकैरियोट है सेल वॉल सराउंडेड द सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल वॉल होगी वो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करेगी। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फील्ड द सेल इज साइटोप्लाज्म, जो मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म होगा वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाएगा। ये साइटोप्लाज्म होता है मेन एरेना फॉर सेलुलर एक्टिविटी होता है, यानी सेल की एक्टिविटी जितनी भी होगी वो साइटोप्लाज्म में भी होगी। वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगे जो कि ऑर्गेनिज्म को जीवित बनाते हैं, यानी लिविंग बनाते हैं, लिविंग स्टेज में रखने के लिए नेसेसरी होते हैं, ठीक है। जो क्या होता है, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिल द इन द साइटोप्लाज्म, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल में साइटोप्लाज्म होगा जो कि फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, यानी अर्धतरल होगा, है ना। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट में क्या था, मेम्ब्रेन वॉल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, सिर्फ राइबोसोम था, नॉन मेम्ब्रेन वॉल स्ट्रक्चर पाया जा रहा था उसके साइटोप्लाज्म में, बट यहाँ पे ये बताया गया इसमें देयर नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है तो उसमें क्या है भाई, जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही, है ना, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल होगा, बट इसमें क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। बट प्रोकैरियोट का जो जेनेटिक मटेरियल होता है बेसिकली नेक्ड, ठीक है, नेक्ड होता है। नेक्ड क्यों होता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो होगा हमारे न्यूक्लियस में होगा। अब इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, यानी वो अच्छे से नहीं बना हुआ है, ना उसमें एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप है, तो वो नेक्ड होगा, है ना, वो नेक्ड होगा। नेक का मतलब बिना उसमें, विदाउट कवरिंग, क्या हो गए, विदाउट कवरिंग, विदाउट एनवलप या कवरिंग, ठीक है, विदाउट एनवलप या कवरिंग, ठीक है, उसमें एनवलप नहीं होगा, इस वजह से वो नेक्ड होगा, है ना। नॉट एनवलप्ड बाई ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको नेक क्यों बोला, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, है ना। जो इसका जीनोमिक डीएनए होता है वो किस टाइप का होता है, इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, इसका जो जीनोमिक डीएनए होगा, इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम होगा, सिंगल क्रोमोसोम होगा और सर्कुलर डीएनए होगा। कैसा होगा ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जीनोमिक डीएनए कहता होता है सिंगल और सर्कुलर होता है, ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर होता है, ये किसी न्यूक्लियर एनवलप द्वारा कवर्ड नहीं होता है, ठीक है। मेनी बैक्टीरिया है स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, बहुत सारे बैक्टीरिया यानी कुछ बैक्टीरियो में क्या होता है, जो एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होगा जो कि जीनोमिक डीएनए के बाहर होगा, आउटसाइड होगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉल सर्कुलर डीएनए को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड बायोटेक्नोलॉजी में बहुत यूज होता है ना, इच्युटिया कोलाई का प्लाज्मिड हम लोग निकालते हैं और उसको
रिकॉम्बिनेशन कराते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और फॉर्जिन सेल में इसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। वो तो सब बात की बात है, फिलहाल मैं यहाँ पे आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें स्मॉलर सर्कुलर डीएनए होगा आउटसाइड जो जीनोमिक डीएनए के होगा, ठीक है। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। इस स्मॉलर डीएनए को क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। ये याद रखेंगे कि आउटसाइड ऑफ जीनोमिक डीएनए एक स्मॉलर डीएनए पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्लाज्मिड कहाँ पे पाया जाता है? प्रोकैरियोट में पाया जाता है, यानी कुछ बैक्टीरियों में पाया जाता है, ठीक है। उसमें से एक क्या है? ईकोलाई, ईकोलाई, ठीक है, याद रखेंगे। द प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए का काम क्या होता है? प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, है ना। प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वो फिनोटिपिक कैरेक्टर, है ना, फिनोटिपिक कैरेक्टर, यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर जो होते हैं बैक्टीरिया को प्रोवाइड कराता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मिड डीएनए का काम क्या होता है? वो सर्टेन बैक्टीरिया, यानी उसमें कुछ बैक्टीरियों को वो यूनिक, जो कि सिर्फ उसी में पाए जाएंगे, फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड कराएगा, है ना, उस बैक्टीरिया को। वन सच कैरेक्टर, उसमें से कुछ कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, है ना। जैसे एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस, ना, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ये भी क्या आता है? फिनोटिपिक कैरेक्टर आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटीबायोटिक टू रेजिस्टेंस इज द फिनोटिपिक कैरेक्टर और जीनोटिपिक कैरेक्टर, तो हम क्या बताएंगे? दिस इज द फिनोटिपिक कैरेक्टर ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, याद रखेंगे। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न डेट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉर्जिन डीएनए। तो इसमें हमको ये बताया कि हम हायर क्लासेस में, यानी हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे अपने आगे वाले चैप्टर में, मतलब 12th की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे हम लोग, प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वो यूज होता है, डीएनए प्लाज्मिड डीएनए जो यूज होता है मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक सेल से दूसरी सेल बनना, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन होना, यानी एक चीज से दूसरी सेल बनना, है ना, उसको बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, जो कि किसके साथ बनेगी? फॉर्जन डीएनए के साथ, यानी रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, है ना, रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोग बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे हम लोग, तो अब यहाँ पे यूज करेंगे प्लाज्मिड का, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो यूकैरियोट में पाई जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर जो होगा वो यूकैरियोट में वेल कवर्ड होगा, यानी अच्छे से न्यूक्लियर एनवेलप कवर्ड होगा, ठीक है। नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट राइबोसोम, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो यूकैरियोट में पाई जाएगी, है ना, और नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट राइबोसोम। जैसा यूकैरियोट में ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं ऐसा प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है, सिर्फ राइबोसोम को छोड़ के, क्योंकि जो राइबोसोम था वो मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जा रहा था, है ना, ये बोथ में पाया जा रहा था, बोथ प्रो में और यूकैरियोट में, दोनों में ये राइबोसोम पाया जा रहा था साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और यूकैरियोट में राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अलावा भी पाया जाता है दो ऑर्गेनल्स में, कहाँ कहाँ पे? माइटोकांड्रिया पे और क्लोरोप्लास्ट पे, ठीक है, याद रखेंगे वो 70S प्रकार का था, ठीक है। सिर्फ राइबोसोम है जो कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट में दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोट है समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, है ना। प्रोकैरियोट में कुछ होता है यूनिक होते हैं, है ना, कुछ यूनिक होता है, क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, इंक्लूजन का क्या होता है? सम इंक्लूजन, इंक्लूजन बॉडी, है ना, यानी कुछ समावेशित, यानी उसकी बॉडी के अंदर कुछ इंक्लूड होगा, उसकी बॉडी में कुछ होगा यूनिक, ठीक है, वो इंक्लूजन बॉडी, इनको बोलेंगे इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन, इंक्लूजन बॉडी, है ना, आगे चल के उनको इंक्लूजन बॉडी के बारे में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी इंक्लूजन बॉडी होती है, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है। ए स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंशिएट, ए स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम, जो एक स्पेशलाइज डिफ्रेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है स्पेशलाइज फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं? मीजोसोम बोलते हैं। मीजोसोम का फंक्शन क्या होता है ये मैं आगे चल के बताऊँगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। जो मीजोसोम बनता है ये कैसे बनता है? सेल का डिफ्रेंशिएट होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम बोलते हैं, जो कि प्रोकैरियोट में पाई जाती है। मीजोसोम किस में पाया जाता है? याद रखेंगे मीजोसोम कहाँ पे पाया जाता है? प्रोकैरियोट में पाया जाता है। दे आर इसेंशली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना,
ये कहाँ से, इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन की से बनती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और जो मीजोसोम होता है, जो मीजोसोम होता है इसका काम क्या होता है, ये मीजोसोम जो होगा, मीजोसोम जो होगा ये डीएनए रिप्लिकेशन कराएगा, डीएनए रिप्लिकेशन कराएगा और डीएनए को डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट कराएगा, है ना, रेस्पायरेशन कराएगा, रेस्पायरेशन कराएगा, रेस्पायरेशन कराएगा, बहुत सारे इसके फंक्शन हैं। और मीजोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोसोम को क्या बोलते हैं हम, होमोलॉगस टू, होमोलॉगस, होमोलॉगस टू माइटोकांड्रिया, ये माइटोकांड्रिया के होमोलॉगस होता है। होमोलॉगस का मतलब क्या होता है, ओरिजिन सेम बट फंक्शन डिफरेंट, यानी वो सेम जगह से ओरिजिनेट हुआ हो बट उसका जो फंक्शन हो वो डिफरेंट हो, क्योंकि हमारा जो माइटोकांड्रिया होता है, तो माइटोकांड्रिया होता है पावर ऑफ द सेल, यानी सेल में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, बट म्यूजोसोम का फंक्शन एनर्जी प्रोडक्शन में नहीं होता है। बट हमसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि प्रोकैरियोट में यानी बैक्टीरिया में म्यूजोसोम का फंक्शन क्या होता है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन, रेस्पायरेशन, है ना, और उनमें डीएनए का कंटेंट डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल वॉल फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सारा का सारा फंक्शन म्यूजोसोम का होता है जो कि होमोलॉगस टू माइटोकांड्रिया होता है, ठीक है। तो हम आपको इसके फिगर्स कुछ दिखाए गए हैं यूकेरियोटिक सेल के, है ना, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो सेल, ये जो फिगर दिखाए गए हैं यूकेरियोटिक सेल का दिखाए गए हैं, यूकेरियोटिक सेल, ये टिपिकल यूकेरियोट सेल के बारे में बताए गए हैं, है ना। टिपिकल यूकेरियोट सेल का जो क्या होता है, डायमीटर होता है 10 to 20 माइक्रोन, माइक्रोमीटर होता है, है ना। इसमें सेल वॉल नहीं पाई जा रही, सेल वॉल नहीं पाई जा रही क्योंकि यूकेरियोट सेल है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जा रही। ये तो यूकेरियोट में किसकी होगी, ये एनिमल की सेल होगी, यूकेरियोट में एनिमल की सेल होगी। अगर ये प्लांट की सेल होती तो यहाँ पे सेल वॉल पाई जाती, ठीक है, ये एनिमल की सेल है यूकेरियोट में, ठीक है। और ये टिपिकल बैक्टीरिया की सेल दिखाई गई है, टिपिकल बैक्टीरिया का जो डायमीटर दिखाया गया इसमें 1 to 2 माइक्रोमीटर दिखाया गया है बैक्टीरिया का, क्योंकि टिपिकल बैक्टीरिया का साइज हम 1 to 5 माइक्रोमीटर लेते हैं, ठीक है। और ये पीपीएलओ है, इसका जो साइज है 0.01 माइक्रोमीटर है, और ये वायरसेस हमारे, है ना, इसका जो साइज है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर है, ये याद रखेंगे। यहाँ से कन्फ्यूजन होता है कि 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर जो वायरस का साइज होता है, ठीक है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जिसमें हम सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, कि सेल का एनवेलप, सेल के मतलब बाहर का एनवेलप जो खोल होता है और उसका मॉडिफिकेशन, है ना, उसके मॉडिफिकेशन क्या क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं इन डिटेल्स और इंटरेस्टिंग मैनर में बात करूँगा आने वाली वीडियो में। तो जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में। टेक केयर, बाय बाय, यू हैव बीन नाइस डे।